दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा था वो ये था कि आखिर हम लोग अर्तुगरुल गाजी सीरियल का सीजन 3 उर्दू में क्यों नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों में से जितने भी लोग अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 पीटीवी पर उर्दू डब में देख रहे थे, वो सभी ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि 2 तारीख को पीटीवी पर अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 खत्म हो चुका है। और ख़त्म होने के बाद हमेशा की तरह ही लास्ट एपिसोड में भी अगले एपिसोड का थोड़ा सा सीन दिखाया गया था, जिससे लोगों को ये लगने लगा था कि अगला एपिसोड यानी अर्तुगरुल गाजी सीरियल का सीजन 3 का पहला एपिसोड भी अगले ही दिन आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि कई दिन गुजर चुके हैं और अभी तक अगला एपिसोड नहीं आ सका है, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में भी ये सवाल उठना शुरू हो गए थे कि आखिर पीटीवी अर्तुगरुल गाजी सीरियल का सीजन 3 उर्दू डब में कब से शुरू करेगा। और शायद यही वजह थी कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में भी बार बार यही कमेंट्स आ रहे थे कि अर्तुगरुल गाजी के तीसरे सीजन से रिलेटेड कोई अपडेट जरूर दी जाए। तो दोस्तों, जो लोग भी अर्तुगरुल गाजी का तीसरा सीजन उर्दू में न मिलने की वजह से परेशान हैं, उन लोगों को हम बताते चलें कि पीटीवी ने अपने दूसरे चैनल पर अर्तुगरुल गाजी के तीसरे सीजन का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, जिसमें उसने क्लियरली ये मेंशन भी कर दिया है कि 6 जनवरी से अर्तुगरुल गाजी के तीसरे सीजन का पहला एपिसोड शुरू किया जाएगा। यानी 6 जनवरी बुध के दिन से ही आपको तीसरे सीजन के एपिसोड्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और लगातार पीटीवी बिल्कुल उसी मेथड के साथ तीसरा सीजन भी अपलोड करेगा जिस मेथड के साथ वो दूसरा सीजन अपलोड किया करता था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप में से जितने भी लोग अभी तक तीसरा सीजन उर्दू में न मिल पाने की वजह से परेशान थे, या फिर जिन लोगों के दिमाग में भी किसी भी तरह से तीसरे सीजन से रिलेटेड कोई सवाल आ रहा था, उन सब की परेशानी दूर हो गई होगी। फिलहाल दोस्तों, आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।